लोग देखो देखेंगे प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में उसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए मीटर लगाए हैं और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए वाट मीटर लगाए हैं और कॉस फाई लगाए हैं, और यहाँ पे ये फिगर में ये कैपेसिटर लगा देंगे, ये फिगर थोड़ा गलत है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे, सिंबल यहाँ पे इंडक्टर का दिया हुआ है, उसके बाद देखिए हम कैसे कैसे लगा रखे हैं वो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हैं और यहाँ पे देखिए मीटर लगाए हैं, कॉस फाई लगाए हैं। कॉस फाई में हम लोग ये देखेंगे जब इसको कैपेसिटर में, जब हम लोग इसको प्योर कैपेसिटर क्या करता है, इसमें ना लीड करेगा, ये जो हमारा ये इसमें लैग में है, यहाँ देखिए इसमें लैग में है, हमारा लीड में जाएगा, वो हम आपको करके दिखाएंगे। और इसमें क्या है, ये हमारा वाट मीटर है, वाट मीटर में कोई रीडिंग या कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर को हम 240 के बीच में रखेंगे, और यहाँ से देखिए हम इसका कनेक्शन रखे हैं, यहाँ पे देखिए दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, ये देखिए एसी सर्किट है हमारा, एसी एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको 300 में कनेक्ट कर रखे हैं। बाकी ये देखिए सर चालू करिए ना, अब देखिए वहाँ से हम चालू करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज दे रहे हैं तो हम देखिए आपको दिखाते चलेंगे, यहाँ से देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, और कॉस फाइव मीटर भी देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा 120 पे जा रहा है, कॉस फाइव अभी हमारा लैग है, सर आगे करिए और आगे करिए सर, देखिए हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 200 जाएगा जब 200, और यहाँ पे आप देखिए कॉस फाइव है, देखिए ध्यान से आप देखिए क्या हो रहा है कैपेसिटर में, देखिए यही हो गया, यहाँ पे हम देखिए 240 पे जब किए तो ये देखिए हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, दो कैपेसिटर से मिलके बनाए हैं, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जब 240 पे किए और उसका देखिए कॉस फाइव पे देखिए वाट मीटर देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं रीडिंग कर रहा है, पर ये देखिए वोल्टेज और कैपेसिटर देखिए कॉस फाइव को देख रहे हैं, लाइक लेड की कंडीशन में आ गया है, और करंट भी आप देख सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब एक कैपेसिटर जो होता है लीड करता है, लीड कर रहा है तो देखिए लॉक से लीड कैसे कर दिया, मतलब इससे पता चलता है कि हमारा जो कैपेसिटर है इसमें कुछ खपत नहीं हो रही है। ये हमारा होता है एसी सर्किट एनालिसिस।